Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Aima's YouTube channel. कैसे आप लोग? Aima, आज आप दिखाओगी आप कैसे लग रही हो? Today is a very special day. Aima. आज मेरी बेटी तमीज की तैयार हुई है. Aima, can you stand up? दिखाओ ना. आज मेरी पसंद किसने मुश्किल से जूते पहने, शर्ट पहनी है, स्कर्ट पहना है, जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तैयार हों. Aima, खड़ी हो एक मिनट, खड़ी तो हो ना. या आई वॉन्ट टू दिखाई दिखाई दिखा, खड़ी हो, देखे कितनी अच्छी लग रही है. और ये रही मामा, हम जा रहे हैं टीचर से मिलने. और टीचर को जहेज का कॉन्सेप्ट लगता है पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, तो हम Aima का जहेज देने जा रहे हैं. इन सिंपल वर्ड्स, उसका स्टेशनरी, ये कुर्सियाँ मेरी Aima करती है, ये इसकी स्टेशनरी है. तैयार कर लिए बिलाल हमने. अस्सलाम वालेकुम बिलाल. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? आप तो लग रहा है 1970s की फिल्म रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं. कमीज जिस तरीके की, नीचे से जीन्स, मैं नाइट सूट में हूँ, आप कुछ लग नहीं रहा. तो ये इनकी स्टेशनरी है, ये चेक करें. ये Aima का बिलाल जहेज है, दो डब्बे इकट्ठे हुए हैं Aima के जहेज के. Aima की तैयारी, उसका कमरा पहले सेट करने जा रहे हैं. अलबत्त आज हमने चिकन कीमा निकाला हुआ है ताकि हम समोसे बना सकें. समोसे इसलिए कि हमें भी थोड़ी, शायद बच्चों को कभी स्कूल शस्कूल ले जाना पड़े, मानी ताक को ना. ये हम भी तैयार हो गए, ठीक है. मैंने शर्ट को इस्त्री की है, पता नहीं फिर भी ऐसी लाइंस क्यों आ रही हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. ये वाली सही, बट ठीक है, हिप्पी लग रही बस. सही, हमारे जमाने में स्कूल जब जाते थे ना, Aima तुमने यहाँ आइसक्रीम खाई है, सारा चिपचिप हो रहा है यार. मेरे आइलैंड का बेड़ा गरक करना हो ना, इसको बस पकड़ा दो. ये रहा, आज हम डिफरेंट खा रहे हैं, ऑलमंड रोस्टेड इनका. ये भी आइकिया से ही लिया था. हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि हमारे ज़माने में ना, जब फर्स्ट डे होता था या कुछ होता था ना, तो एंजाइटी हमको होती थी. आजकल के ज़माने में भी एंजाइटी हमको होती है. हमारे बच्चे आराम से बैठे हैं, वो आराम से खेल रही है, उसको नींद से उठा के ए टू जेड तैयार किया है. वरना मेरी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, वो कभी मेरे चॉइस के कपड़े नहीं पहनती. और अभी हमने इसको डलवाया है पब्लिक स्कूल में, यहाँ जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है. तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो था ना डिस्कशन का, बिलाल क्या था के? और फिर भी बिलाल, तुम्हें पता है हमारा क्या रात को कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये कितनी मुश्किल से इसने शर्ट पहनी है और स्कर्ट पहना है. ये हुआ है कि तुमने कहा था ना ये रात को, लेकिन इसने कहा है कि मंडे को इसकी चॉइस के कपड़े होंगे. मैं हफ्ते में सिर्फ दो दिन अपने चॉइस के कपड़े पहना सकती हूँ, ट्यूजडे एंड थर्सडे. मैंने कहा मेरे लिए यही बहुत है कि दो दिन लड़ाई नहीं होगी. तो तीन दिन फिर भी ये अपनी चॉइस के कपड़े पहनेंगे. और इनकी चॉइस के कपड़े ऐसे हैं कि वो इंसान देख नहीं सकता. इंसान देखता है ना तो इंसान के अंदर से आग लगना शुरू हो जाती है. बेटा रोज सुबह कयामत सुग्रा होगी. हाँ या आज नॉर्मल है. आपकी एक दो सब्सक्राइबर भी जो थी ना, उन्होंने यही कहा था कि हमारे घर में भी यही होता है. अच्छा, मुझे नहीं समझ आती हमारे जमाने में क्यों, किस तरीके से इतना आसान था. जो माँ बाप रखते थे हम पहन लेते थे. हमारे जमाने में भी कहाँ आसान था. हाँ, किस अब मुझे पता चला ये कहाँ. बिलाल मैं ऐसी नहीं थी कम से कम. यार मेरी माँ अब नहीं है, मरहूम हो गई है. लेकिन मुझे अभी याद आता है ना कि जब मैं When I was in grade 1 और Montessori में, मैंने अपनी माँ को बहुत तंग किया क्योंकि उस जमाने में यूनिफॉर्म तो जारी बात है, हम तो पब्लिक स्कूल में ही पढ़ते थे, वो जो आर्म फोर्सेस वगैरह के जो स्कूल होते थे. और मैं और मेरा भाई एक ही क्लास में रहते थे. वो बेचारा बिल्कुल ही डोसाइल, कोई उसको कोई मलंग का ही पादी, उसको जो मेरी माँ पहना देती थी वो पहन लेता. लेकिन मुझे बहुत हमारे ना वहाँ पे वो उधर वो धोबी होते थे, वो कपड़े वगैरह लेके जाते थे. और मैं ये कहता था कि जो
जो शर्ट अब जिस तरह अगर चार शर्ट्स है ना आपकी, तो मुझे अगर एक जो शर्ट नहीं है बट लेट्स से जो तीन दूसरी मेरी माँ ने तैयार की हुई है, हाँ, वो तैयार की, मैं कहता था वो वाली लेकर आओ जो धोबी के पास। फिर वो बेचारी सुबह जाती थी, पता नहीं उस जमाने में फोन जो थे वो कोई मोबाइल शोबाइल तो होते नहीं थे, तो वो बेचारी पहले लेकर आती थी, पता नहीं ड्राइवर के साथ जाती थी, कैसे जाती थी, उसको बुलाती थी, क्या करती थी, फिर वो शर्ट आती थी तो मैं स्कूल जाता, वहां कहते मैं नहीं जाना, मतलब मैं कहता मैं नहीं जाना, दो लगाती आंटी पाकिस्तान में तो। और ये जमाना, ये बात है 1983-84 और हमारी बेटी का भी यही आलम है, मतलब लिटरली इनको तैयार करना, इनकी चीजें लेना, इनकी शॉप, इसीलिए आप लोग देखें ना, इनके कपड़ों पे मत फोकस करें, ये अपना दिल करेगा तो पहनती हैं अपनी मर्जी से। मैं भी कहती हूँ चलो, मुझे एक तरह की से ये हैबिट इस शुरू में अच्छी लगी थी कि यार एक बच्चे की पर्सनालिटी है, वो खुद को वो करेगी खुद, लेकिन इसकी पर्सनालिटी ने हमें कोई फायदा नहीं दिया। एक टाइम था ये पिंक के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, फिलहाल फिलहाल याद है, फिलहाल कहता इसकी ए टू जी पिंक ही लिया करो, तुम क्यों दूसरे कलर लेती हो, नहीं थी बिलाल सारे पिंक ले लूं, कहता हाँ पिंक ले लो, एक किस्म की 10 शर्टें ले लो, और पिंक से अब हटी है, तो पिंक जिस चीज में पिंक होता है वो पिंक नहीं लेना चाहती। चाय पीजन यू गाइस, इतनी सख्त गर्मी है, मैंने आयमा को बिठाया है, आयमा का जीन्स रखा है, एंड इट्स हॉरिबल टू सिट दिस टू सिट हियर इन अ स्कर्ट, नेवर बाय दिस इन चिल्ड्रंस प्लेस, इट्स अ होल लाई। Huh? It will literally oh my goodness. Here it's so hot. At least it'll warm me up. Emma, are you excited now? Happy to see your school and new teacher? I wonder if I see some friends. You can make friends when you will. Inshallah, parso unka. Main mentally वैसे तैयार नहीं हूँ बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या करे, करना पड़ता है। एक्साइटेड है किस चीज के लिए? हम क्या करने जा रहे हैं उसी चीज के लिए, हम अपने बच्चे की आला तालीम के हुसूल के लिए, आला तालीम के हुसूल के लिए हमारी बच्ची जा रही है, इतनी मुशक्कत, ये लें पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं, गोल्फ कार्ट्स चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन आप देखो कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ पे, इतने इस स्कूल के करीब इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन बनती नहीं है, ये जी स्कूल आ गया है जी, एम ये तुम्हारे झूले गोल्फ कार्ट्स, ये ले चेक करें, दिस इज सच So such a big school, Emma. It's not that big. It's not tall. It's not tall. It's long. अच्छा इसका पिछला जो स्कूल था ना वो कम्युनिटी का छोटा सा स्कूल था, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मेरी स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा है। बूढ़े बाप बेटी का जहेज धोते धोते जहेज की बात करी तो सीधे कर देना सबको। लेकिन अभी तो जहेज ही है ना। I've taken it before. Zaima's classroom. Emma, are you excited? Yes, I'm going to go now. ये पूरी क्लास देखे। इससे ज्यादा तो परेशान, आयमा से ज्यादा तो मैं लग रही हूँ, इतनी ज्यादा पाई पूरी सप्लाई उसकी इकट्ठी करके, या वी आर गोइंग टू ग्लो लाइक दिस आयमा, सो वी आर एक्साइटेड फॉर न्यू ईयर। कुछ तो मैं बता रही हूँ, मेरा जो स्कूल टाइम है ना वो कभी भी, आई मीन आई कैन नॉट रिलेट टू स्कूल, सो बच्चों का जब स्कूल सेशन होता है ना तो बच्चे ये एक्साइटेड होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो एंग्जाइटी मुझे होती है ना आयमा, दिस वे पसीने में हाल देखें, पहले तो ये डिफरेंस था कि पिछले स्कूल में हम सिर्फ सप्लाईज दे देते थे वो खुद ही सेट करते थे, यहाँ पे ये था कि आपने ना सप्लाईज इसका बॉक्स बना हुआ था तो बॉक्स के अंदर खुद ही रखने हैं, सेट करके दे देना ना, तो पहले मैंने वो किया सारा काम,
at least the teachers are sweet. Teachers are always sweet, hey mom. So मैं मॉल आ गई हूँ. क्यों आई हूँ ये मुझे खुद भी पता नहीं है, पर मैं आ गई हूँ. अब इसका फायदा होता है कि नुकसान होता है ये अल्लाह ही जाने. बड़ी है मेरा अपना, मेरा जीता जागता सफोरा में क्या करने आई हूँ, एक चीज़ देखने आई हूँ. मिल गई तो घर चल के बताऊँगी, नहीं मिली तो अल्लाह खैर सलाह, क्योंकि मुझे उल्टे पुट्ठे काम करने का शौक जो बहुत है. यहाँ पे ना सफोरा के परफ्यूम्स में ऑफ़र थी. एक तो ये था, ये 85 का था फाइनल सेल ना. इसमें ये था कि आप जो है ना ये छोटे सैम्पल्स ले लें और उसके बाद यू कैन रिडीम वन फुल साइज़ परफ्यूम. अब फुल साइज़ में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा ना सानू कर देते ना पागल ना. इसकी ये अच्छी है पर इनके पास अभी बी है नहीं, ये वाली ना. ठीक है, एक तो ये पैकेट था और दूसरा जो था डीलक्स था वो खातून को भी मैंने दिया. उसमें था गुची फ्लोरा, जो मैं चेक करके आई थी उसमें गुची फ्लोरा की बॉटल थी इंक्लूडेड 1.7. ये वाली लेकिन अभी जो है 30. तुम लोगों की बाजी को ना कभी जिंदगी में फायदा नहीं होगा, हमेशा नुकसान ही होगा. ठीक है, मैं जो देख के आती हूँ ना वो चीज मेरी आते तक लिटरली मतलब कंपनी को इन्फॉर्म हो जाती है या तो मैं हमेशा लेट होती हूँ. सो थिंग वाज दिस कि अभी डील्स आई हुई है इनकी परफ्यूम सफोरा परफ्यूम सेट्स पे ना, सैंपल्स और टेस्टर्स आप लेंगे फॉर लाइक 80 या 85 जो मैंने अंदर आपको दिखाया. सो उसके साथ आप रिडीम करा सकते हैं फुल बॉटल. अब उनकी साइजेस लिखी हुई हैं. मैं होमवर्क करके आई थी, आई वांटेड टू बाय ग्यूची फ्लोरा. जब मैंने प्राइस चेक करी 1.6 आउंस की जो बॉटल थी इट वॉज फॉर 133 और इसमें जो था एक तो आपको ये था, ये चीज थी. ठीक है, एक में तो इसमें तो आपको छोटी छोटी बॉटल्स के कितने सैंपल्स हैं, वन ये तो कैंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाँ, 6 परफ्यूम्स के ये छोटे. और इसमें फिर आप टेस्ट करके, इसमें कार्ड था सो यू कैन रिडीम अ बिग बॉटल ना. तो इसमें लिखी हुई है कि आप रिडीम कितने साइज की कर सकते हैं. जो मैं होमवर्क करके आई थी इट वॉज 1.7 आउंस ऑफ गुची फ्लोरा ना. और हुआ इसलिए कि देखे मैं जब आई ना तो इन्होंने उसके ऊपर टैग ये टेप ये देखा. नाउ यू कैन सी इन्होंने वही हटा दिया. अब असल में गुची वॉज होमवर्क किया था उसमें 1.7 लिखी हुई थी, इन्होंने फिर करेक्शन करी है जो भी करी है. बट या सो आई वॉन्टेड टू बाय, अच्छी डील थी, बहुत ही अच्छी. उसमें यह था कि आपको अच्छी साइज की बॉटल मिल सकती, बट आपकी बाजी का कभी फायदा हो जाए ना दुनिया में. सो फिर मैंने ये छोटी वाली रिडीम कराई 30 ml. गुची फ्लोरा किथे किथे तुसी ले जाओगे, ना हमारे स्टैंडर्ड ऊपर हो रहे हैं ना हमारे. बट आई लाइक दिस परफ्यूम अ लॉट एंड यू आर गोना गेट लाइक स्मॉल क्यूट लिटल बॉटल्स ऑफ. और भी दूसरा भी सेट था उसमें भी अच्छे परफ्यूम से, दिस वन यू कैन सी ये छोटे छोटे हैं. डेजी का तो ये मार्क्स चेकअप की मुझे अच्छी लगती है बट इट्स नॉट वन ऑफ माय फेवरेट, आई डू हैव दैट. एंड द वर्साशे थी क्लीन, मैंने चेक करी वो भी मुझको इतनी अच्छी नहीं लगी. ये मिसिंग पर्सन जो है. सो या योर मॉडल बाजी पैसे की डिस्ट्रक्शन के पीछे नहीं मैं नहीं पड़ी हुई परेशान. मेरे मियाँ ने मुझे सुबह, मैंने कहा मैं लेने जा रही हूँ, तो कहते हैं मुझे देखा है 2 सालों से एक परफ्यूम है. मैंने कहा अगर आपको देखती ना तो फिर जिंदगी नहीं गुजर सकती थी मेरी. वी आर डिफरेंट पीपल ऑफ कोर्स, आई नीड थाउजेंड्स ऑफ परफ्यूम, नॉट थाउजेंड बट चलो कर दो. बाजी ने कर दिया, चलें घर चलें. हेलो, बंद कर दो गाने बेटा, मैं मामा तुम्हारी अब व्लॉगर आ गई हैं. सो थकी हुई हूँ मैं, सुबह उठना मुझे एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट अब छोड़ें. आप लोग भी कहेंगे ये बाजी सारा दिन घूमती रहती है, इसको घर के काम तो है ही नहीं. बेटा बाहर यही होता है, कभी दिमाग कहाँ होता है, कभी दिमाग कहाँ होता है, कभी दिमाग कहाँ होता है. ऐसा नहीं है एक दिन में एक काम करें. अब मैं आई हूँ, मैंने जल्दी से अभी फिर आते ही बिलाल को भी खाना दिया है. बिलाल का खाना चल रहा है, बच्चों का नाश्ता चल रहा है, पराठे चल रहे हैं. और मैं ये चाह रही हूँ कि ये काम भी इधर ही कर लूँ. मैं सुबह कीमा निकाल के गई थी, चिकन कीमा, ठीक है 2 पैकेट.
तो मैं चिकन समोसे बना रही हूँ क्योंकि वो शाम को बनाऊंगी, तब तक ये चिकन, इसलिए मैंने कीमा थोड़ा सा हो जाए, मेरा काम हो जाए, मैं थोड़ी देर सोना चाह रही हूँ, फिर मैंने ये करके आयमा को खाना भी खिलाना है अभी। आयमा यू ओके? आयमा आइसक्रीम निकालने के लिए। सो चिकन के कीमा बनाने की सबकी अपनी टेक्निक होती है, मेरे चिकन समोसा में ये होता है कि मैं पहले ज़ीरा फ्राई कर लेती हूँ, फिर कीमा डाल देती हूँ, लोग लहसुन अदरक नहीं डालते, मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, मुझे चिकन की थोड़ी खुशबू जो है ना, स्मेल जो होती है, आई डोंट लाइक इट। सो यू बॉट 2 cups? ओके, 1 for Mani, दैट्स ओके। आयमा हाउ डिड यू हैव फन टुडे? आज बंद कर दीजिए बेटा, तो कोई भी साइंस नहीं है, चूल्हा जलाना है, हम माचिस के बगैर जलाते हैं, खुद ही जल जाता है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ऑयल मेरा ख़त्म है तो नया ऑयल निकाल दें, नया ऑयल डाल दें, ड्राई रखना, ज़्यादा नहीं डाल देना, ठीक है, थोड़ा सा ही डालना है, जस्ट है ना, ये डाल दिया, इसके बाद हम डालेंगे लाइटें जला दूं ताकि तुम लोगों को ज्यादा रोशन रोशन, ठीक है, कोई साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसमें, मैं भी एग्जॉस्ट चलाऊंगी तो you can watch TV in my room if you don't mind. ठीक है? I'm already getting a call. चलो जी ये डाल दिया, ठीक है, जीरा थोड़ा सा हो जाए। So ये ले, exhaust चल रहा है तो maybe I have to what? लेकिन ये ले कीमा, 1 keema. 2 keema चिकन कीमा, ये चिकन के हैं, भुने चलें जी। इसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें 1 चम्मच, इसी में गल जाए, थोड़ा और भी डाल दें, मर्जी है, ताकि इसी में भून लेना हम उसको, ऐसे अच्छे से भून जाएं तो बस फिर अपना जादू दिखाएं। अब ये जादू आप पे है कि आप कैसा जादू दिखाती हैं। हम थोड़ी सी हल्की कर दें, अभी भी हम भुनेंगे, एग्जॉस्ट हमें हल्का सा चलाना पड़ेगा वरना ये कि हम वॉइस ओवर कर लेंगे, ठीक है, स्लो मैंने किया हुआ है। ये हम तो डाल रहे हैं, ये देखो मैगी के चिकन क्यूब्स, ताकि चिकन कम है ना, थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, कोई कमी रहे ना किसी तरफ से, किसी को लगे ना कि बाजी ने कंजूसी में बनाए, ठीक है, हमारी इज्जत बहुत हमारे लिए वो रखती है। थोड़ा सा एक चम्मच सोया सॉस, कटर मिर्च डाल दें जितनी खूबसूरती चाहिए आपको, धनिया पाउडर, लाल मिर्च जैसे आपको पसंद हो, कम है पसंद तो कम डालें, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दें, सॉल्ट, सॉल्ट चिकन मैगी उसमें भी क्यूब में भी है तो बस सॉल्ट का थोड़ा सा एहतियात करें, हाथ ज़्यादा फ्री ना करें, एंड काली मिर्च, मिर्च काली, आपको और भी चीज़ें डालनी है तो और भी डाल दें, हमारे लिए काफ़ी है, फिर हम टेस्ट करके देखेंगे, अगर कोई चीज़ हमको कमी बेशी लगी, बस अब भूनते जाएंगे, भूनिए अब इनको, ठीक है, इसके बाद जो सब्ज़ा है ना वो डलेगा, ये ठंडा हो जाए फिर वो बाद में बताऊंगी, इसके बना के तो फिर सो जाना है, ठीक है,
क्योंकि आराम आपके लिए ज़रूरी है, कमज़ोरी आपको हो गई है, इसको आगे पीछे करके ऐसे 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 करके ना इंसान को कमज़ोरी हो जाती है, तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल करेंगे, क्योंकि हमने तो अभी आयमा को खाना खिलाना है, खुद भी खाना खाना है और फिर हम सो जाएंगे, बाकी मेहनत शाम को। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी हमने मुश्किल बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलें जी, आई होप मैं आप लोगों को आ रही हूँ। बेटा देखो स्क्रीन में मैं पूरी आ रही हूँ आयमा, कैन यू चेक? पांच छह चीज़ें मेरी साथ ही चल रही होती हैं, शाम का टाइम है, मैं वो इंसानों वाले कपड़े भी कभी कभी पहन लिया करें, कोई बात नहीं, कोई माइंड नहीं करेगा। ठीक है जी, और मानी को भी बुला लें, पिज्ज़ा बनाने का तरीका भूल गई मैं। यू करके नहीं, ट्राइंगल बना के ये मैंने, आज अगर ये बन गया ना तो बड़ी मेहरबानी होगी। पॉकेट बनाना है, पॉकेट पर पॉकेट ऐसे क्यों बनाए, ऐसे क्यों ना बनाए, ऐसे करके ऐसे। मानी कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। पॉकेट डाले जैसे मैं ऐसे बना रही हूँ, जैसे आप लोगों को आते ही नहीं है। पिज्जा बन गया है? हाँ पिज्जा, मेरा कीमा तो नहीं डाला उसमें, उसमें उसमें ये वाला नहीं डाला, सिर्फ कीमा रोस्ट डाला है चिकन का, ये वो नहीं होता, पेस्ट नहीं होता, ये वो नहीं होता जैसे कहते हैं ना मसाला नहीं होता, डाला है लेकिन हाँ उसमें हल्की सी ये मसाला पहले नहीं डाला था, ये प्याज व्याज नहीं डाले, अच्छा ठीक है कोई मसाला, गोटी डाली है, ओवरफिल ना हो जाए, और ऐसे करके आज जो मैं करूंगी हाल वो मुझे पता है, इसी के मैदे का जो ऊपर आ रहा है थोड़ा पानी डाल के, ठीक है, और इसके ऊपर फिल कर दें। बेटा मेरा ब्लॉग चल रहा है, वो कहेंगे ये रेसिपीज इसीलिए तो चलता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना यूं करके और यूं एयर फ्रायर में, ये मैं समोसे क्यों बना रही हूँ, क्यों? ताकि तुम लोगों के स्कूल के काम आ जाए, क्योंकि ये बड़े अच्छे समोसे हैं देखो, और इसको मैं बच्चों को पिज्जा देती हूँ, फिर दोबारा से शुरू करती हूँ, करके उसको गोल बनाना है। ठीक है, ऐसे करके यू हैव टू फिल लाइक दिस, और इसके अंदर फिर अपनी फिलिंग भर लें। मैं पीछे बिलाल को छः बना के दिए, तो वो बिलाल छः खा रहे हैं शाम की चाय के साथ। ठीक है, आयमा अपना पिज्जा खा ले, बाबा खाए ना, मैं इसके बगैर वॉक पे नहीं जाऊंगी, और इसका इसी का मैदे का जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के वो बना लें स्टिकीनेस। बस सर, और यूं करके कवर करके, और ये याद हो के हमने किस महीने में वो आपका समोसा तैयार है। अब हम इसी तरह के जल्दी जल्दी समोसे बनाएंगे, आप लोग भी ख्याल रखें अपना और इंजॉय करें, आप सबको मुबारक। बेटो एक मिनट सब्र कर लो, मेरी ब्लॉग बन रहा है, बट नोबडी इज बॉदर्ड, तो बेहतर है ब्लॉग खत्म करें। बाय बाय, ठीक है।